एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अयोध्या के मिस्ट्री प्लेसेस के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, जो कि आप लोगों को शायद इससे पहले पता हो कि ना हो। तो चलते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जानते हैं इस मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सनातन धर्म के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र। बालकांड के अनुसार श्री राम का जन्म भी यहीं पर हुआ, और उत्तरकांड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही उनका समापन भी। गुप्तार घाट 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। यह जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नामक स्थान पर जल समाधि देकर रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित कर गए राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए आज भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। नागेश्वर मंदिर और राम की पेड़। पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64वें वंशज श्री राम के बाद उजड़ी हुई अयोध्या को कुश ने फिर से बसाया। लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसका कोई भी उल्लेख ना तो पुराणों में मिलता है, न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिरों की प्रामाणिकता को लेकर गहन अध्ययन किया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, घटकपर, वेताल भट्ट, शपणक, वराह मिहिर, वर रुचि, शंकु, अमर सिंह एवं धन्वंतरी शामिल थे। इन लोगों ने रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की तरफ हो जाता था। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश की पत्नी नागवंश से होने के कारण भगवान शिव की उपासक थी। सरयू में स्नान करने के बाद वह रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नामक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के लिए 365 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें वराह मिहिर का ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर अयोध्या को वास्तु शास्त्र के सर्वथा अनुकूल बसाने में गहरा चिंतन था। उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया, बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर कई भव्य मंदिर एवं घाटों का निर्माण किया, जिसके बाद समय समय पर इस नगर की भव्यता ने लोगों को यहां पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्मों के लोगों ने यहां पर अपने अपने आस्था के केंद्रों को भी स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर गुप्त, नंद, मौर्य एवं शुंग वंश के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि एवं कार्यशाला। नागेश्वरनाथ मंदिर के आसपास कई ऊंचे टीले थे, जो यहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध टीला था राम टीला, जिस पर काफी प्राचीन बने भवनों के अवशेष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी महल था। इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। पुराने अवशेषों को फिर से जीवंत करने के लिए विक्रमादित्य ने इसी टीले के चारों तरफ एक विशाल कोट का निर्माण करवाया, और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि राम कोट के नाम से जाना गया। हजारों वर्षों तक चले बाहरी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को जीतने के लिए हमेशा इसी कोट को निशाना बनाया।
कोर्ट के भीतर बने राम मंदिर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने। उसने कई मंदिरों को तोड़वाकर उसके मलबों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तब से न जाने कितने राजाओं ने राम जन्मभूमि पर अधिकार करने के लिए कई युद्ध किए, अपने प्राण त्यागे। कई कारसेवक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से शहीद हुए। आज भी अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम मंदिर का वह ढांचा रखा है जिसको साकार होता देखने के लिए समय समय पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। आखिरकार एक लंबे विवाद के बाद डॉक्टर बेबी लाल की खनन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मत से 9 नवंबर 2019 को श्रीराम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद श्रीराम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला बनाई गई। अयोध्या में आने वाले पर्यटक यहां आकर राम मंदिर निर्माण के कार्य के साक्षी बन सकते हैं। हनुमानगढ़ी, दूसरा था हनुमान टीला, जिसके बारे में कहा जाता था कि श्रीराम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले पर बने महल में रहने का आदेश दिया। यह इतना ऊंचा टीला है कि यहां से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यहां पर भी एक दृढ़ कोट का निर्माण किया, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते ये कोट भी बाहरी आक्रमणकारियों एवं काल की मार से खंडहर हो गया। 1740 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीमार बेटे की जान बचाकर निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने हनुमान कोट में एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। नवाब के आदेश पर 52 बीघा जमीन मंदिर को उपलब्ध कराई गई। लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई किताब अयोध्या का इतिहास नामक पुस्तक के अनुसार 1775-76 के आसपास अगले नवाब अशफुद्दौला के मंत्री टिकैत राय ने हनुमानगढ़ी नामक मंदिर के निर्माण का आखिरी कार्य संपन्न करवाया। श्रीराम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण एवं श्रद्धा का केंद्र है। लक्ष्मण टीला, तीसरा था लक्ष्मण टीला। विक्रमादित्य को यहां भी खंडहर हो चुके महल के अवशेष प्राप्त हुए। यह ऐसा स्थान था जहां से अयोध्या के पश्चिमी छोर पर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मान्यता थी कि यहां श्रीराम ने लक्ष्मण जी के लिए एक किले का निर्माण करवाया था, जिस पर रहते हुए ऊंचाई से ही पश्चिम से आने वाले शत्रुओं की जानकारी मिल सके। आज यह किला एक नए स्वरूप में सरयू नदी के किनारे मौजूद है, जहां से नदी के विस्तार को भली भांति देखा जा सकता है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक ये टीला लगभग 2000 साल का परिवर्तन अपने भीतर समेटे अडिग खड़ा है। धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नया नगर बसाया था, जो लक्ष्मणपुरा के नाम से पुराणों में मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार आज का लखनऊ ही पौराणिक काल का लक्ष्मणपुरा हो सकता है। यहां भी लक्ष्मण टीला नामक एक जगह है, जिसे आजकल टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत, चौथा टीला था मणि पर्वत, जिसके बारे में मान्यता है कि राम और सीता सावन के महीने में चारों तरफ फैली हरियाली को देखने के लिए और साथ में झूला झूलने के लिए यहां आते थे। आज भी सावन के महीने में स्थानीय लोग यहां आकर श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को झूला झुलाकर उस परंपरा का पालन करते हैं। विक्रमादित्य ने इस टीले पर भी एक मंदिर का निर्माण करके इसको पुनः जीवंत किया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में 6 वर्ष इसी मणि पर्वत पर बिताकर अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप आज भी यहां मौजूद है। पर्वत के पास में ही प्राचीन बौद्ध मठ के साथ ही पीछे की तरफ मुगलों के समय में बनाई गई एक कब्रगाह भी मौजूद है। कनक भवन, कनक भवन के बारे में मान्यता है कि इसे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था, तब इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब यहां पर आए तो उन्होंने खंडहर हो चुके भवन का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन हजारों वर्षों बाद समय और आक्रमणकारियों के ध्वंस से जब वह फिर से खंडहर हो गया, तब 1891 में ओरछा के सूर्यवंशी बुंदेली राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने यहां पर मंदिर के भीतरी भाग का निर्माण करके राम और सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया, जिनके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान है। मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराजा की पत्नी वृषपान कुमारी ने करवाया। कनक भवन का वर्तमान स्वरूप बुंदेलखंडी राजाओं की ही देन है। रामायण भवन, श्री मणिराम दास छावनी में स्थित है वाल्मीकि रामायण भवन। यहां संगमरमर के पत्थरों पर पूरी रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। देश विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग यहां राम नाम लिखकर जमा करते हैं।
श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज ने सन 1976 में से स्थापित किया था। अशर्फी भवन लगभग 80 साल पहले रामानुज संप्रदाय के संत मधुसूदनाचार्य ने जब जमीन खरीद कर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, तब नियों की खुदाई में सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश मिला, जिसके कारण इसका नाम अशर्फी भवन पड़ गया। लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर में संस्कृत पाठशाला के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। राजद्वार मंदिर, इसे अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जा सकता है। मान्यता अनुसार राम कोर्ट में आने के लिए यह मुख्य प्रवेश द्वार था। विक्रमादित्य के जीर्णोद्धार कराने के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इसकी मरम्मत कराई, जिसमें राजा दर्शन सिंह से लेकर राजा जगदम्बिका प्रताप सिंह तक शामिल थे। कहते हैं कि इसके गुंबदों पर सोने का आवरण चढ़ा है। यह मंदिर हनुमानगढ़ी के ठीक बगल में स्थित है। सूर्य कुंड, यहां के बारे में मान्यता है कि एक बार राजा दर्शन सिंह शिकार खेलते हुए जब यहां पर रुके तो पास में एक छोटे से गड्ढे में भरा हुआ पानी पीकर वो चकित रह गए। पानी इतना मीठा था कि उन्होंने यहां पर न सिर्फ एक सरोवर का निर्माण करवाया बल्कि पूरा एक नगर ही बसा दिया, जिसे आज दर्शन नगर के नाम से जाना जाता है। खुदाई में मिले एक विशाल पत्थर को तराश कर सूर्य देव की मूर्ति बनाकर यहां स्थापित की गई। भरत कुंड या नंदीग्राम, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर दर्शन नगर भरत कुंड मार्ग पर नंदीग्राम नामक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम वनवास के लिए चले गए तब उनके वियोग में राजा दशरथ का देहांत होने पर भरत ने इसी कुंड में उनका पिंडदान किया था। कुंड के दूसरे छोर पर आज भी लोग पूर्वजों का पिंडदान करके बिहार के गया जाने की शुरुआत करते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर वो स्थान है जहां पर भरत ने श्री राम की अनुपस्थित में उनकी पादुकाओं को पूजते हुए 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह सभी सुखों का त्याग करके अयोध्या का राजकार्य संचालित किया था। यहां स्थित एक कुएं के बारे में मान्यता है कि इसमें भरत ने चित्रकूट से वापस लौटते समय अपने साथ लाए हुए 7 कूपों का जल संग्रहित किया था। 24 अक्टूबर 1918 से प्रारंभ होकर निरंतर 14 वर्षों तक यहां सीताराम का अखंड जाप होता रहेगा। मखौड़ा धाम, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में स्थित है मखौड़ा धाम। यहां पर संतान का सुख पाने के लिए लोग हवन एवं पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वो स्थान है जहां पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्र पाने के लिए यज्ञ किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न पैदा हुए। आज भी दूर दूर से लोग यहां गहरी आस्था लेकर आते हैं। इन मंदिरों के अलावा आपको अयोध्या की हर गली हर सड़क पर कोई ना कोई आकर्षक मंदिर व ऐतिहासिक भवन दिख जाएंगे, जैसे दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से कनक भवन की तरफ जाते समय यह मंदिर रास्ते में पड़ता है। मान्यता है कि इस महल को राजा विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर बनवाया था जहां पर राजा दशरथ का वास्तविक महल हुआ करता था। तुलसी स्मारक भवन, इस दिव्य स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना हुई। राजसदन, यह अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का महल है। आज भी अयोध्या के वर्तमान राजा यहां पर निवास करते हैं। सुग्रीव टीला, श्री राम ने सुग्रीव के लिए यह किला बनवाया था। रत्न सिंहासन, यहां श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था। छोटी देव काली, यहां सीता जी द्वारा शादी के बाद मायके से लाई गई मूर्ति स्थापित की गई। स्वर्ग द्वार, सरयू नदी के किनारे सबसे पहले इसी घाट का निर्माण हुआ था। भगवान कालीराम, यह मंदिर नागेश्वर नाथ के पास ही है। विक्रमादित्य के समय की मूर्तियां जो पहले राम जन्म स्थान पर थी अब यहां स्थापित है। ब्रह्मकुंड, इसका मूल नाम ब्रह्म तीर्थ है। गुरु नानक देव जगन्नाथ पुरी जाते समय अयोध्या के इसी स्थान पर ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह का भी इधर आगमन हुआ था। इसके अलावा नल नील टीला, अंगद टीला, कुबेर टीला आदि भी पौराणिक स्थान है। इनके अतिरिक्त अयोध्या में सरयू नदी पर कई घाट हैं। कुछ घाटों के नाम श्री राम व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं, जैसे राम घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, कैकेयी घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। इसके अलावा राजघाट, अहिल्याबाई घाट, चक्रतीर्थ घाट, गुप्तार घाट, विष्णुहरि घाट, प्रहलाद घाट, नागेश्वरनाथ घाट, वासुदेव घाट, पापमोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट, नया घाट आदि।
अयोध्या में लगभग 31 कुंड या सरोवर हैं, जैसे राम सरोवर या राम तीर्थ, दशरथ कुंड, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, राधा, रुक्मणी व सूर्य कुंड आदि। यहाँ प्रमुख 7 अखाड़े हैं, निर्वाणी, खाकी, दिगंबर, निर्मोही, संतोषी, निरालंबी, महानिर्वाणी अखाड़ा, रघुनाथ दास जी की छावनी एवं बाबा रामदास जी की गद्दी। यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ पर लगभग हर मंदिर के साथ धर्मशालाएं हैं, जैसे कन्हैयालाल धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, बंबई की सेठानी की धर्मशाला, भावनगर की रानी की धर्मशाला, सेठ मोहनलाल, सेठ लखनऊ वाले, सेठ सूरजमल, सेठ शिव नारायण की धर्मशाला आदि। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए उचित व्यवस्था होती है। अयोध्या धाम में पूरे वर्ष ही पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, साथ ही कई मेले भी लगते हैं, जैसे रामनवमी। आज का वीडियो मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ अयोध्या, अयोध्या की मिस्टीरियस प्लेसेस एंड हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। तो बेसिकली इसमें जो है वो हमने देखा हिस्ट्री ऑफ लक्ष्मण किला, मतलब लक्ष्मण का जो है वो हमने किला देखा, जो कि राम जी के भाई थे, और उसके अलावा हनुमान गढ़ी, उनकी हिस्ट्री के बारे में आज हमने जाना। मतलब हमें सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं इस वीडियो को कहूँगी ऑल इन वन, मतलब कि हर चीज़ एक वीडियो में एडिटिंग के साथ ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सबके सामने लाई गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एक मतलब कि ऐसे एडिटर और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने ज़बरदस्त जो है वो कंटेंट लेकर आते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें भी ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है, स्पेशली सनातन धर्म से रिलेटेड हमें चीज़ें जानने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि राम मंदिर, हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर जो है उसके बारे में कि किस तरह से जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या रही, फिर उसको जो है वो केस लड़के किस तरह से उसको वापस लिया गया, फिर उसके बाद बताया जाता है कि अब जो भी है वो दान वगैरह भी कर सकते हैं मंदिर, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी मतलब काम चल रहा है। तो इसके अलावा हमने जो है वो राम जी का जो मतलब जहाँ पर वो पैदा हुए थे वो महल देखा। अब तो खैर वो महल खंडर बन गया है, क्योंकि हजारों साल पहले की बात है यार, कोई एक दो साल की बात नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इन्होंने हमें बताया, वाल्मीकि जो है वो रामायण के बारे में हमें पता चला, और मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें पता चली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हिस्ट्री वैसे तो बहुत कुछ है अयोध्या में, और इसी वजह से अयोध्या जो है उसको राम जी का घर भी कहा जाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया, तो उनको राम जी के नाम से भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अयोध्या में लोग आते हैं बहुत सारी आस्थाएं लेके, और वो पानी, नदी, और मतलब कि मैं ये समझती हूँ कि एक अयोध्या एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो महाभारत से रिलेटेड और जो है वो रामायण से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें हिस्ट्री जुड़ी हुई यहाँ पर नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो टेंपल बने हुए हैं, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर सनातन धर्म को जो है वो खुद बताती है कि मैं यहाँ पर सनातन धर्म जो है वो बेसिकली एक्चुअली वो क्या है और कितने टाइम से है। जिस तरह से वो महल दिखाया गया जहाँ पर वो राम जी पैदा हुए थे, और फिर उसके बाद जो है राम जी के साथ लक्ष्मण जी का बताया गया, मतलब कि इसके बारे में हम जितना भी मतलब कि जाके अगर खुद भी एक्सपीरियंस करें तो हमें रियलाइज़ होगा कि भाई हिंदुइज्म यहाँ पर कैसे आया और क्या हुआ। खैर, ओवरऑल बहुत अच्छा वीडियो था, और काफ़ी कुछ हमें इसमें जानने को मिला, सभी गार्ड के बारे में, सभी कुंड के बारे में, सभी अखाड़े के बारे में। सो बहुत कुछ था इसमें, हमें सुग्रीव के किले के बारे में पता चला, भाई बड़ा कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ। और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। स्वर्ग द्वार, अयोध्या भी, मतलब बहुत कुछ हमने देखा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इनमें से किसी भी एक जगह पर गए हैं
तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी जगह पर गए हैं और जो है वो इसके बारे में आपको, आपने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फील हुआ, वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।